जय श्री राम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अपडेट देने वाला हूँ काटा टोली फ्लाईओवर का। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक ड्रिल मशीन लगी है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लॉक लग रहा था रैंप के बगल में, तो वहाँ पे वो चेक हो रहा है कि नीचे कितना मीटर पे पत्थर पड़ेगा। तो एक जगह तो 10 मीटर पे मिल गया पत्थर, और दूसरी जगह अभी ड्रिलिंग चालू है। और काटा टोली फ्लाईओवर का काम जो अभी ब्लॉक ऐड का काम है वो करीब करीब पूरा हो चुका है। सिर्फ बहु बाजार के पास सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ है, बाद बाकी पूरा ब्लॉक ऐड कर दिया गया है। ये है यहाँ से कांटा टोली के फ्लाई ओवर पे चढ़ने का रैंप, यहीं से बन रहा है। और रोड के जो नीचे साइड से जो आने का है ना, बगल से जो जाएंगे, मतलब जो लोग डगरा टोली के साइड से आ रहे हैं, जिनको कोकर आना है, वो नीचे वाले रोड से नीचे से आ जाएंगे। और जिनको टाटा रोड में जाना है तो इस वाले रोड से नीचे नीचे जाके वो आराम से अपना लिफ्ट लेके टाटा रोड में चले जाएंगे। और जिनको सीधा राजेंद्र चौक की तरफ जाना है, वो इस वाले फ्लाईओवर को सीधा पार करके बहु बाजार उतरेंगे। बहु बाजार से आगे मुंडा चौक जाएंगे, मुंडा चौक से आगे सीधा पटेल चौक की तरफ बढ़ के रैंप पे चढ़ेंगे, सीधा राजेंद्र चौक की तरफ बढ़ेंगे, और सीधा वो मेकॉन चौक में उतरेंगे, या फिर कुसे वाले रोड में उतर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुगम हो जाएगा आप लोगों का रास्ता, और बहुत ही मजा आने वाला है 2025 में। तो चलिए अब आगे चल के दिखाते हैं आपको कि कहाँ का काम कितना हुआ है और क्या बचा हुआ है। यहाँ पे अब सिर्फ यहाँ पे मिट्टी रिफिल करके और गार्डवाल बना के इसे और यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करने का रह गया है काटा टोली के साइड में, और इसके ऊपर होने वाला है ढलाई। ये देखो, ये इसके ऊपर अभी ढलाई होगा, उसके बाद ये जो है पूरा कनेक्ट हो जाएगा। और अब चलते हैं आगे और आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। मैं इस वक्त पहुंच गया हूं बहु बाजार चौक के करीब, और देखो लास्ट यहां तक पूरा ब्लॉक चढ़ा दिया गया है। और यहां से मात्र अब 5 पिलर रह गए हैं ब्लॉक और ऐड करने के लिए। यदि 5 पिलर और ब्लॉक ऐड हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं पूरा, तो समझो ये जो फ्लाईओवर है उसका काम पूरा हो जाएगा। और उसके बाद सिर्फ जो डाउन रैंप और जो अप रैंप होते हैं उसका काम, सिर्फ जो रिफिलिंग का है वो रह जाएगा। इस साइड में भी तो डाउन रैंप का काम करीब करीब हो ही गया है, और काटा टोली के साइड में अभी तो ड्रिल हो रहा था, वहां पे भी कुछ ब्लॉक डाल के और ऐड करना है। तो आप अभी यहाँ पे देखें कैसे यहाँ पे लोग चढ़ाते हैं ब्लॉक को। देखो ये है एक मशीन, और इसको ब्लॉक के नीचे पूरा होल रहता है, होल में पूरा पूरा कसते हैं इसमें बोल्ट, बोल्ट फंसा के उस मशीन को पहले करते हैं फिक्स, और उसके बाद फिर इस पे ब्लॉक ऐड करके ब्लॉक इसमें हैंग करते हैं, और हैंग करके फिर एक दूसरे को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ऐसा होता है यहाँ का काम। देखो ये पूरा मोटा मोटा सा नट और बोल्ट लगा हुआ है, देखो ये कितनी बड़ी बड़ी साइज की बोल्ट है इसमें, और ये पूरा सेक्शन में फिक्स किया हुआ रहता है। तो इसी के जरिए इस मशीन को पूरा ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि यदि आगे से ब्लॉक हम ऐड करते हैं और पीछे यदि नट बोल्ट ना कसा रहे तो वो सीधा आगे गिर जाएगा। तो इसके यहाँ पूरा मैकेनिज्म है जिसपे ऊपर लोग सब मिल के काम करते हैं। तो चलो ये था यहाँ का फ्लाईओवर। अब सिर्फ अब यहाँ से 5 फीलर देखो काटा टोली के साइड में भी बनाया गया है। तो चलो भाई अब ज्यादा दिन है नहीं इंतजार करने को, थोड़ा ही दिन में हो जाएगा, क्योंकि पिछले बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो ये काटा टोली का जो बस स्टैंड का रास्ता जाता है वहां तक था, वहां पे ब्लॉक ऐड कर रहा था, और अब देखो 3 महीने में यहाँ तक पहुंच गया। तो मुश्किल से 1 महीने में मुझे लगता है कि ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाद इसके ऊपर पूरा फिर से क्या बोलते हैं डिवाइडर लगेगा, डिवाइडर लगेगा, क्योंकि ये 4 लेन रोड बन रहा है, मतलब दो गाड़ियां एक साइड से जाएंगी, दो एक साइड से आएंगी। तो भाई ये था अब तक का कांटा टोली और बहु बाजार के बीच का फ्लाईओवर का अपडेट। और ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करो भाई, और अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। तो थैंक यू भाई सपोर्ट करने के लिए। चलो भाई फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में।